नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एनसीडी स्क्रीनिंग करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें। जैसे कि हम बताते हैं आपको, अभी रेखा की स्क्रीनिंग करने के लिए हम सर्च करते हैं, तो जब हम रेखा की स्क्रीनिंग करते हैं तो उस समय क्या दिक्कत आ रही है। जब हम हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं तो री स्क्रीन पे सबसे पहले जाते हैं, यहाँ तक तो सब अच्छा अच्छा चलता है कि आज की डेट डाल देंगे। इसके बाद में जब सिस्टोलिक या डायस्टोलिक वैल्यू भरनी होती है तो यहाँ पे क्लिक नहीं होता है। यहाँ पे क्लिक कर डायस्टोलिक या सिस्टोलिक वैल्यू पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं पर वो क्लिक नहीं होता है। कितना भी कोशिश कर लें पर वो कुछ लोगों में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों में तो हो जा रहा है पर कुछ लोगों में दिक्कत आ रही है। तो इससे हम लोग कैसे निजात पाएं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है कि आप सबसे पहले तो होम स्क्रीन पे जाइए। होम स्क्रीन पे जाने के बाद में आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट क्लिक पे क्लिक करने के बाद में आपको ओरिएंटेशन में जाना है। ओरिएंटेशन में जाने के पास आप जो लैंडस्केप में कर रखी है इसको पोर्ट्रेट पे कर देना। प्रोटेक्ट में क्लिक करके ओके करेंगे और ये कुछ इस तरीके से ओपन होके फिर आ जाएगा। फिर जैसे आप रेखा सर्च करते हैं तो रेखा पे आपको ये दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। हम स्क्रीन पे जाते हैं, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग पे जाते हैं। हाइपरटेंशन में ये देखिए, आपका री स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और आज की डेट जिस दिन आप स्क्रीन कर रहे हैं उसकी वैल्यू 120, 80 और 74। इसके अंदर रिफर नॉर्मल वैल्यू है इसलिए रिफर नहीं करेंगे और उसको क्या करेंगे, सेव एंड फिनिश कर देंगे। ये यहाँ पे आपकी इजीली हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हो जाती है। यहाँ पर आपकी इजली हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हो जाएगी। उसके बाद में आप डायबिटीज की स्क्रीनिंग के लिए डायबिटीज पे क्लिक करेंगे तो जो आपका दिक्कत आ रही थी कि आपको क्लिक करने के बाद में भी वैल्यू आप फिट नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप ऐसे करने के बाद में आसानी से फिट कर पाएंगे। यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंटर करेंगे और उसके बाद में नॉर्मल वैल्यू इसलिए नो, सेव एंड फिनिश पे कर देंगे तो आपकी यहाँ पे स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है। वैसे एनसीडी स्क्रीनिंग या फिर सीबैक फॉर्म कैसे भरना है, एनसीडी स्क्रीनिंग कैसे करना, फैमिली फोल्डर कैसे भरना है, इन सब चीजों की वीडियोस जो मैं बना चुका हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीनिंग एंड एनसीडी फॉर्म भरने में काफी हेल्प करेगा। थैंक यू।